गाइस, अगर आप भी अपने लटके हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं तो बस जिंदगी भर के लिए मेरे ये 5 नियम गार्ड बांधकर रख लीजिए। डेफिनेटली ये आपके लटके हुए पेट के साथ साथ आपके ओवरऑल बॉडी के फैट को इतने अच्छे से रिड्यूस करेंगे जो आज से पहले कभी आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishramehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। गाइस, सबसे पहले नियम की बात कर लेते हैं। तो हमें पीना है सुबह उठते ही 2 ग्लास गर्म पानी। लिटरली वो इतना गर्म होना चाहिए जैसे चाय होती है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि उठते ही वो काम पे लग जाते हैं, जो हम लोगों के मम्मी लोग होते हैं या दादी होते हैं, या इनफैक्ट हम भी अगर हाउसवाइफ हैं, हम में से बहुत सारे लोग, तो उनके पास इतना सारा काम होता है, इतनी सारी टेंशन होती है उठने के बाद, सबका ध्यान रखना, केयर करना, और इस चक्कर में हम पानी पीना ही भूल जाते हैं और गर्म पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीते। तो जब हम गर्म पानी पीते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, वो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यानी जितना भी अब तक आपने गंदगी खाई थी, उस टॉक्सिन्स को आपके पॉटी और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। साथ ही साथ गर्म पानी क्या करता है, आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है। कैसे? क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम से फास्ट कर देता है, राइट? अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आप नोटिस करेंगे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्लड फ्लो जब अच्छा होता है तो आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती है। आपकी बॉडी में अगर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो वो कंट्रोल हो जाता है। मांसपेशियों की सूजन खत्म हो जाती है। आपकी बॉडी में जो अकड़न रहती थी ना, वो भी खत्म हो जाती है। और इनफैक्ट आपका जो लटका हुआ पेट है, जो मेन हमारा बेली फैट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हमारे पूरे बॉडी पे ना हमारी स्किन बहुत पतली होती है, लेकिन कभी आप नोटिस करना अपने टमी पर, वहां पे ना हमारी स्किन की बहुत ज्यादा और मोटी लेयर्स होती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा ओवरऑल बॉडी फैट तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पेट जो है वो महाराज जी जल्दी से जाते नहीं है। तो उनके लिए आपको रोज सुबह उठकर 2 ग्लास गर्म पानी पीना है। और सर्दी हो या गर्मी, आप घड़े का पानी पिए गर्मियों में, और सर्दी में तो गर्म पानी पिए ही पिए, लेकिन फ्रिज का पानी आज से ही बंद कर दें, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत वीक कर देता है। अब बात कर लेते हैं अगले नियम के बारे में। तो अगला नियम क्या है, आपको अपने पूरे दिन के मील में से सॉल्ट को बहुत ज्यादा कम कर देना है। हम कहते हैं हम तो सॉल्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? हम 3 टाइम मील्स लेते हैं और उसमें हर चीज में हम सॉल्ट ऐड करके खाते हैं। फ्रूट खाना हो तो सॉल्ट डालते हैं, सैलेड खाना हो तो सॉल्ट ऐड करते हैं। सॉल्ट क्या करता है, आपकी बॉडी में वाटर वेट को बढ़ा देता है। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि जब आप ब्रा पहनते हैं तो आपके साइड से बल्जेस दिख रहे होते हैं, लव हैंडल्स दिख रहे होते हैं, इस तरीके से, है ना, आपकी थाइज एकदम से बहुत ज्यादा लूज होने लगती है। तो वो वाटर वेट जब बढ़ता है तो हमारी स्किन ना सैग करने लगती है, ढलकने लगती है नीचे की तरफ, ठीक है, उसमें कोई टाइटनेस खत्म हो जाती है। तो आप क्या करें, देखिए लंच तो हमें करना ही करना है और डिनर भी हमें करना है ना, नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी ठीक से। तो आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट में से आपने सॉल्ट को स्किप कर देना है। तो स्किप करने के लिए आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स का सहारा लेना है, कोई भी अपना सीजन का जो भी फ्रूट है। महंगे महंगे फ्रूट खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सीजन का फ्रूट होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो बनाना अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, पोमेग्रेनेट अलाउ करती है, कीवी अलाउ करती है, जो भी आपके पास फ्रूट है और जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो वो खाएं। और लंच में फिर आप जो भी दाल सब्जी खा रहे हैं उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल करें, और फिर नाइट में जो डिनर ले रहे हैं उसमें आप सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइम हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्किप हो गया सॉल्ट, जो आपके वाटर वेट को कम करेगा, जिससे स्पेशली आपका जो बेली है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने अगले नियम के बारे में। तो अगला नियम क्या है, आपको दोपहर के खाना खाने के टाइम या सुबह का या फिर रात का, आपको एक चीज हमेशा अपना माइंड सेट करना है, खाने के बीच में आपने कभी भी वाटर इनटेक नहीं करना। क्योंकि जब हम खाने के बीच में पानी पीते हैं तो इससे हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, बहुत लो हो जाता है। तो जो भी आप खाते हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे कि फिर आपका जो बेली है स्पेशली वो ज्यादा बाहर दिखने लगता है ना। और धीरे धीरे करते करते हम इतना वेट बढ़ा लेते हैं कि उसको कम करना हमारा पहाड़ जैसा काम लगता है हमें, है ना। तो ऐसा काम करना ही क्योंकि हमारा वेट बहुत बढ़ जाए और फिर उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़े, है ना। हम डिप्रेशन भी के शिकार होने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं इसकी वजह से कि यार वेट बढ़ रहा है, कपड़े सूट नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। बीच में भी नहीं पीना और इमीडिएटली पानी भी आपने नहीं पीना, ठीक है। अब बारी आ जाती है अगले नियम की। अगले नियम में आपने क्या करना है, जब भी खाना खाना है, चाहे सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे रात का हो, आपने मॉडर्निटी में आकर अपने डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स, बेड सबको दूर कर देना है और जमीन पर बैठ के खाना खाना है। जमीन पर भी कोई दरी नहीं बिछानी, हमें जमीन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बैठना है। जब जमीन के हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बैठते हैं तो हमारी धरती से ऐसी रेज निकलती है जो हमारी बॉडी के पाचन
क्रिया को बहुत फास्ट कर देती है। हमारी बॉडी में पाचक रस जो होता है ना, जो खाने को पचाता है, वो बहुत फास्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे कि जो भी आप खा रहे हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। और जब आप रोटी की ग्राएं उठाते हैं, नीचे होते हैं, तो उससे आपके पेट का व्यायाम भी होता है, आपके पेट में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। नीचे जब हम बैठकर ज़मीन पर खाना खाते हैं, तो उससे आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत बनती है, और उसका जो पेन होता है वो भी चला जाता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, आपको फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्लीज़ इस हैबिट को अपनी लाइफ टाइम की हैबिट बना लें कि जब भी पानी भी पीना है तो ज़मीन पर बैठ के, ब्रेड भी खाना है ज़मीन पर बैठ के, दही खाना है, चने खाने हैं, रोटी खानी है, सब ज़मीन पर खाना है। अब बात करते हैं अपने अगले नियम के बारे में। आपने एक उसूल बना लेना है रात के खाना खाने के बाद या दोपहर का खाना खाने के बाद। बहुत सारे लोगों को सुस्ती आती है, स्पेशली लॉकडाउन में हम करें भी क्या, है ना। तो आपने क्या करना है, पूरा दिन बेशक आप जो सो रहे हैं करें, लेकिन आपने अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का आपका मन नहीं करता, या बहुत लेजी है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या बेबी को फीड कराते हैं, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, जब भी आपने खाना खाना है, तो उसके बाद आपने हाफ एन आवर के लिए वॉक जरूर करना है। चाहे आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस है, वहीं आप वॉक करें, लेकिन वॉक जरूर करें, बिल्कुल भी नहीं बैठें। ये मिनिमम है 30 मिनट्स, आप मैक्सिमम इसको 1 आवर तक लेके जाएं। डे बाय डे अपने अंदर चेंजेस लेकर आएं। आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप 30 मिनट की वॉक करेंगे, 1 घंटे की वॉक करेंगे, हर मील के बाद, एवरी मील, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, ठीक है, बिस्तर नहीं पकड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको आपके पूरे ओवरऑल फिजिक में ह्यूज डिफरेंस फील होगा। स्पेशली बेली एरिया पे जो आपका फैट था, जो एकदम स्टक सा हो गया था, वो आपको बहुत ज्यादा विजिबल रिजल्ट दिखेगा। और इससे क्या होगा, आपके घुटने, आपके मांसपेशियों में भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि पूरी बॉडी में जब हम वॉक करते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को गांठ बांध के रखें। और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी, जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अदरक का एक टुकड़ा ले लीजिए 1 इंच रोजाना, ठीक है। रात के डिनर से पहले उस पर काला नमक लगा लीजिए, और खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले उसको चबा लीजिए। आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, आपका पेट फूलता है, एसिडिटी है, या फिर किसी भी रीज़न से आपका टमी एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फ्लैटन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे नियम को गांठ बांध दीजिए, और ये अदरक का टुकड़ा ज़रूर इनटेक करें। अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी इसको फॉलो करें और अपने बॉडी को टोन करें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पे जरूर शेयर करें। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें आयशा मेहरा, और फेसबुक पे मेरा अकाउंट है हेल्थ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।